15 रोटी लेके बैठोगे तो क्या होगा? मतलब दरबार में 15 रोटी लेके बैठा हूँ मैंने भाई। माई जेन्यू आईडी कार्ड, और ये जेन्यू आईडी कार्ड बड़ा मतलब अच्छे से फाड़ा है इन लोगों ने, फाड़ कर बस फोटो मेरे को दे दिया, और इसमें बस फोटो है और मेरा नाम का PUR है, बस यही बचाव पड़ा है। क्या इससे एंट्री हो पाएगी? ये एक राज ही रहेगा। तो ये रहा हमारे नवीन बाबा का रूम, ये हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन और वो फोटो और इतना सजाना धजाना, और यहाँ पे लीकेज हो रही थी, नवीन बाबा ने सारा कुछ यहाँ पे लगा रखा है। ये क्या है, ये चार्ट पेपर ना, चार्ट पेपर की लीकेज ना हो। तो ये ग्राउंड फ्लोर का थोड़ा सा इशू रहता है, बट ओवरऑल नवीन का रूम बहुत सजा के रखा है, ये देख सकते हो। बट कंपेरेटिवली थोड़ा सा इन्हें थोड़ा सा बहुत छोटा है। हाँ, और ये चाइन, और ये कवर्ड, ये कवर्ड सारा कुछ ये इन्होंने खुद लगवाया है, और ये कवर्ड JNU में मिलता है ये वाली, और ये चेयर देते हैं सेम, टेबल देते हैं, और आपके पास वाला रूममेट भी देते हैं, और ये भी ये आपका रूममेट का वही चेयर और टेबल इधर भी मिलता है। तो काफ़ी ठीक है, मतलब ठीक ठाक है रहने के लिए, और सारा कुछ आप रूम में जो करवाना चाहो करवा सकते हो, इवन PhD के स्टार्टिंग के 2 ईयर्स भी आपको ऐसे ही रूम मिलेंगे। तो ये सारा कुछ है, और ये रहे हमारे नवीन भैया जी, ठीक है, और पीछे इनका बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है चड्डी बनिया ने। तो मैं अभी जा रहा था अपने घर, तो मैंने बोला नवीन को कि चल नवीन थोड़ा फिजिकल साइंस का बना लेते हैं, क्योंकि लाइफ साइंस का हम सोच रहे थे बनाने का, बट लाइफ साइंस में कह रहे घुस नहीं देते स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाले को, यही है ना। लाइफ साइंस में लाइफ साइंस वाले बच्चे ही जा सकते हैं, सो दे आर नॉट अलाउइंग एनी आउटसाइडर्स स्कूल चिल्ड्रन, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू फिजिकल साइंसेस। तो भाई कह रहा है कि अलाउ नहीं करते, सिंपल सी बाहर वाले मतलब बाहर के स्कूल के बच्चों को, तो हमें अलाउ नहीं है। तो एक सब्सक्राइबर ने बोला था भाई साहब कि बनाना लाइफ साइंस की, तो भाई सॉरी नहीं बना सकते क्योंकि घुसने नहीं देंगे अंदर है। फिजिकल साइंस में का अगर उसके अंदर जाने देते हैं तो बनाएंगे, देखते हैं कैसे स्कूल, और हाँ देख के इंजॉय करो बस, ठीक है चलो। और ये रही रास्ता, ये रास्ता किधर जाता है नवीन, ये वाला लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला लाइब्रेरी जाता है ना, और ये वाला जाता है आपका IHA नैनो बायोटेक्नोलॉजी। तो भाई को फिजिकल साइंस का कहाँ है फिर? अच्छा टेक्नोलॉजी है भैया इधर, लैंग्वेज का इस रास्ते से लैंग्वेज जाते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, SIS जाते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस भी है, लाइफ साइंस, और इधर नैनो मेडिसिन, और इधर पास में पढ़ता है आपका फिजिकल साइंस पढ़ता है। तो ये सारा कुछ है, और मेरे पीछे है कैंटीन, ये है स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का कैंटीन ही है, तो यहाँ पे आके खा सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी वाले, मतलब हम लोग आते थे। चलो फिर चलते हैं। यहाँ पे सिंथेटिक बायोलॉजी के प्रोग्राम का नया वो स्टार्ट हो रहा है, और वो मतलब इस साल से स्टार्ट हुआ है, और मतलब लाइक मेरे डिपार्टमेंट के कुछ प्रोफेसर हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं वो सारा कुछ, लाइक कटेरिया सर हो गए ना वही नवीन, कटेरिया सर हो गए, उसके बाद पांडा सर हैं, और ये सारे हैं, तो वो सारे स्टार्ट कर रहे हैं, और ये नैनो नैनो साइंसेस के ही है। आपको एडमिशन लेना हो तो तैयारी करना स्टार्ट कर दो, और स्पेशली MTech के अगर बच्चे हैं तो प्लीज़ आप अच्छे से करो इंटरव्यू के लिए, अगर जा रहे हैं आपके पास तो। सर फिजिकल साइंस, सॉरी ये रही फिजिकल साइंस, और ये फिजिकल साइंस, और वो गार्ड भी खड़े हैं, और ये गाड़ियाँ लगी पड़ी हैं, तो चलते हैं अभी घुसने देते हैं। तो स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस है यही है, सीढ़ियाँ हैं ये जाने आने के लिए, उफ ये जाने का ना, और ये रहे डिपार्टमेंट, और ये रहा इसका पूरा बैकग्राउंड, ये कितना प्यारा सा है ना ये गार्डन पूरा, बैठ सकते हो यहाँ पे आके डिस्कस कर सकते हो ये बैठने का, और ये हम भी आ रखे हैं 2-3 बारी, और ये है फिजिकल साइंस की कैंटीन, क्या है और क्या है, कचौड़ी ले ले और चाय ले ले। तो यहाँ पे आके हम खाते पीते थे, मैं नवीन और ये भैया जी, तो यही सारा कुछ बनाते थे हमारे लिए, वे तो काफ़ी टाइम हो गया मेरे को आए अभी भी। ओ ये, और ये रही, और ये पास से आप देख सकते हो कुतुब मीनार, वो दिख रहा होगा, तो यहाँ से पास में कुतुब मीनार दिखता है,
ये बिल्डिंग्स दिखती हैं, ये सारा चीज़। और अभी पता नहीं इन लोगों ने बंद कर दिया है उधर जाना, पता नहीं कोई सीन हुआ हो गया होगा। ये तो बड़ा अच्छा था उधर, पर ये सारा दिल्ली इधर से दिखता है भाई, दिल्ली दिखता है पूरा। ये रही, और ये रही नवीन, चाय ले लेना नवीन, चाय कह रहा था लेने के लिए। और ये सारा कुछ, तो हमने सारा कुछ घूमा। और फिजिकल साइंस की कैंटीन बड़ी अच्छी लगी मेरे को, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी सस्ती है, बहुत ज़्यादा सस्ते मिलते हैं। अगर यहाँ से बंदा ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट करवा देना, उसमें भी बहुत प्रॉफिट कमाएगा, क्योंकि बहुत सस्ती है यार यहाँ। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ घूमने के लिए इतना सारा स्पेस है ना, तो ये स्पेस मतलब अगर बाई चांस मान चलो बंदा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो बंदा घूम सकता है मतलब अकेले बहुत ज़्यादा अच्छे से। ये रही यहाँ की कचौड़ी, ये बड़ी अच्छी होती है, मीठी चटनी देते हैं ये, और साथ में ये हरी चटनी देते हैं। और ये रहा नवीन भैया जो चाय लाता हुआ है, अरे क्या प्यारी स्माइल है भाई साहब क्योंकि भाई ये लास्ट टाइम है, इसके बाद फिर जेन में एंट्री ना दे या ना दे ये पता नहीं, क्योंकि कार्ड अब फाड़ दिया ना हमारा बहुत दुख की बात है, मार्कशीट लेने के बाद कार्ड तो फट गई, तो अब तो आ ही सकते। और ये नज़ारा देख रहे हो भाई, दिल रात में बहुत अच्छा लगता है, और मीनार में जब लाइटिंग चलती है, और यहाँ पे आप खाओ के छोड़ी और चाय, और विल लव इट। और रात में ना जब वो लाइटिंग पूरा होगा, जैसे नवीन ने बोला लाइटिंग पूरी होगी ना, तो बहुत अच्छा दिखेगा वो। और यहाँ पे कचौड़ी जैसे नवीन खा रहा है, ठीक है कचौड़ी खा रहा है, तो इधर पूरा आसमान साफ रहता है, आसमान पूरा साफ रहता है जेएनयू के आसपास, तो और शांत माहौल, ठीक है, और साथ में उधर लाइटनिंग, और इधर कचौड़ी खा रहे हो, ठीक है। और मतलब क्या समझ सकते हो, क्या माहौल होता हुआ यार, दिल खुश हो जाता है ना नवीन, बहुत नवीन तो बहुत ज़्यादा खुश अभी सही है नवीन भाई ने स्टार्ट कर दिया, चलो हम मैं भी स्टार्ट ही करता हूँ। ये हमारे दीपक सर है, लाइव बना रहे लाइव नहीं मतलब ये अच्छा मैं डालूंगा सर, तो ये हमारे दीपक सर, दीपक सर ना हाँ मजाक करो सर, तो इन सर ने क्रिकेट खिलवाई है, भगाया है, उसके बाद मतलब काफ़ी स्पोर्टिव मतलब बंदे। और सर ने एक बारी हमारे जहांगीर चिकन खा रहे थे सर, आप हेल्प भी किया सर ने एक बारी हमारी 15 रोटी लेके बैठोगे तो क्या होगा, दरबार में 15 रोटी लेके बैठा मैंने भाई, इनका हेल्प तो कराना ही पड़ेगा। तो सर ने मतलब काफ़ी अच्छे, और सर जैसे क्लब भी अंडर में काम करते हो सर आप, तो काफ़ी अच्छे। और आप कुछ को क्या कहना चाहोगे सर एडवाइस? मैं यार तुम लोग गुड लक बोलना चाहूँगा, वो तो सबको ही बोल रहा है सर अब, और ये भी बोलना चाहूँगा इंजॉय करो, मस्ती करो, और जे एन यू में जो आना चाहते हैं ज़्यादा मतलब बस, और जे एन यू में जो आना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे सर? जो आना चाहते हैं यार, आना चाहते हैं तो भाई मोस्ट वेलकम, बाकी सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है भाई। आपका क्या है सर? मेरा तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि जे एन यू बाद में चलो, पहले अपने आप को चुन लो, मेरा तो ये पर्सपेक्टिव है भाई, जगह जैसी भी हो अगर हम अंदर से ठीक हैं तो सब ठीक। क्या बात है सर, सर बहुत अच्छे ज्ञान देते हैं अब तुम जा रहे हो थोड़ा ज्ञान लेके जाओ लास्ट ये कल हमारा फाड़ दिया वो कौन, आईडी कार्ड, क्यों फाड़ ही दिया? हाँ, फाड़ दिया, सबमिशन हो रहा था ना कल, तो फाड़ने का क्या मीनिंग है, कह रहे कि डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय कर देना है, अब यहाँ का स्टूडेंट नहीं रहे तुम। तो ये यहाँ की लैब्स है जो भी बंद पड़ी है, और इधर की वो फायर ब्रिगेड का है पता नहीं है सारा कुछ, और नवीन कूदते हुए कूद मंकी की तरह कूद कूद के जा रहे हैं दो दो टांग से, ओह ओह क्या बात है और ये स्कूल ऑफ लाइफ साइंस है जिसमें हमारी एंट्री नहीं हो सकती, इसका बना मतलब वो देखो बिल्डिंग देखो भाई, आर्किटेक्चर देखो कितना तगड़ा है भाई साहब, इसी लगा रखा है सब जगह। और ये रही नीचे का, ये मतलब काफ़ी अच्छा है, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस है, मच बेटर देन SBT। और हाँ SBT को तो फिर इसके देखने के बाद SBT देखोगे तो फिर लगेगा यार कहाँ SBT में आ गया मैं, ये तो झोपड़ा सा है मैं शाम का माहौल हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और आज कल का जो दो दिन का थकावट था ना आज पूरा सोकर निकाला हमने, सुबह से लेकर मतलब सुबह थोड़ा सा काम किया उसके बाद सो गए ना, सो बहुत लेट से उठे। और नवीन भी आज पूरा एकदम गंदा सोया आज, पूछो मत, बहुत दो दिन की नींद ली है, दो दिन इस सोने सही से नहीं दिया है, आराम से आज अकेले बेड मिला, अकेले बेड मिला भाई सोया आज हमने। और रही बात मेरी, तो मैं भी आज काफ़ी अच्छा ठीक लग रहा हूँ, ठीक लग रहा हूँ पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ, और आज तो स्मार्ट लग रहा है, इसका पोज देखा इंस्टाग्राम पे,
बताना जरूरी है। हाँ बताना जरूरी है। तो देखिए देखिए इसका पोस्ट। तो इंस्टाग्राम पे आज थोड़ी सी हम नवीन ने मेरी फोटो निकाली और कह रहा है बहुत अच्छी आ गई, ठीक था। कैमरा मैन कौन था? कुछ ज्यादा तारीफ नहीं हो रहा? नहीं अब मॉडल भी सही था। ओह तो काफी मतलब। और बस अभी कहानी अब ख़त्म है, बस शाम होने वाली है और मैं घर निकल रहा हूँ और नवीन बाबा भी अपने रूम जाएंगे। उसके बाद नवीन भी कुछ दिनों में हॉस्टल खाली कर देगा और फिर नवीन भी चला जाएगा। फिर JNU हमारे लिए सुनसान हो गया। फिर कभी मौका मिला भी तो सुबह आएंगे। फिर रुकने का कभी प्लान नहीं हुआ फिर दोबारा। और कभी नहीं, लाइफ ख़त्म और हॉस्टल लाइफ ख़त्म, फुल्ली ख़त्म। अब कहीं PhD में मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो अब क्या कर सकते, जॉब करनी पड़ेगी, देखते हैं क्या होता है। तो यही तक था जर्नी आज के ब्लॉग का। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू सो मच। बाय 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 बाय।